बिजली विभाग की लचर प्रणाली पर सवाल उठाते हुए आज जिला फतेहाबाद के टोहाना में दर्जनों व्यापारियों ने रोष में चंडीगढ़ रोड पर स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में पहुंचे। व्यापारियों का कहना था कि उन्होंने यहां पहुंचकर घंटा बजाना था, क्योंकि विभाग उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए उन्हें इस तरह का रास्ता अपनाना पड़ेगा। व्यापारियों के अनुसार लंबे समय से व्यापारी प्रतिनिधि मंडल बिजली विभाग को लोहे के पोल हटवाने, ढीले बिजली के तारों को हटवाने व अन्य बिजली से संबंधित समस्याओं के लिए याद करवाता रहा है, पर विभाग का रवैया ठीक नहीं रहा। पर जैसे ही विभाग के कार्यालय में रोष में भरे व्यापारी पहुंचे तो यहां पर मौजूद SDO अमित कुमार ने उनसे वार्ता कर उन्हें संतुष्ट कर दिया व कहा कि वो जल्द ही उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, जिसके बाद व्यापारी SDO के वार्ता से शांत हुए। उन्होंने 48 घंटे का समय विभाग को मुख्य समस्याओं को दूर करने के लिए दिया है। हमारे सामने समस्या रखी है पुरानी कोई जर्जर तारें और जो नीली तारों को शहर में हटाने के लिए, इसे चेंज कराने के लिए ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है, और इससे इस बार कुछ नए कामों को भी देना है तो उसके लिए हम एस्टिमेट्स बनवा रहे हैं, और जो पुराने एग्जिस्टिंग काम है उनको स्पीड अप करने के लिए हम खुद तत्पर हैं। शहर की ओवरलोडिंग की समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारा जो बाइफर्केशन का कार्य भी चल रहा है वो भी काफ़ी आखिरी स्तर पे ही है, शायद कुछ दिनों में वो भी पूर्ण रूप से हो जाएगा और आने वाली गर्मियों में जो ओवरलोडिंग की समस्या है वो नहीं रहेंगी। व्यापारियों की और शहरवासियों की एक शिकायत है कि जो कंप्लेंट नंबर है वो अभी तक दुरुस्त नहीं हो पा रहा, वहाँ से सेटिस्फाई जवाब नहीं मिलता, क्या कहेंगे? नहीं, मैं व्यापारियों से सबसे पहले कहूँगा कि टोल फ्री नंबर्स हैं हमारे, टोल फ्री नंबर्स और उस पर कॉल करके अपनी शिकायतों को दर्ज कराएं, ताकि आपको स्पेशली जो दर्ज करने का मैसेज और जब सॉल्व करने का मैसेज है वो उनको रजिस्टर होके वो मिले। अभी कोई आपने इसके लिए टाइम पीरियड भी रखा है? इसके बाद दोबारा मीटिंग रहेगी आपकी और व्यापारियों की? व्यापारियों के साथ तो हमारी डे टू डे मीटिंग चलती रहती है, फोन पे भी बातें चलती रहती है, जितने भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते रहते हैं। कुछ मेजर समस्याएं हैं वो जैसे आज कल में हम विजिट करते ही रहेंगे, तो ये कार्य चलता रहेगा।